ये पहला मौका है जब एक अच्छे माहौल में हम सब मिल रहे हैं। जब मैं पिछली बारी अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, उस समय यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर जो यहाँ की आपकी बिल्डिंग्स है, यहाँ के आपके घर है, कई दुकानें हैं, वो जिस तरीके से गिरी और पूरे प्रदेश नहीं मगर पूरे प्रदेश के अंदर वो वीडियो वायरल हुई और वैसा नुकसान यहाँ तो हुआ ही, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई जान का यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ मगर कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, इसका हम धन्यवाद भी करते हैं। मगर अब हमें ना, पिछले कल भी लवी के ही मेले में छतरी में था, सिराज में, और वहाँ पे भी मैंने ये बात कहा कि अब हमें उस अध्याय को, जो ये आपदा का समय था, इसको बंद करके अब एक वापस विकास की पटरी पर प्रदेश को, इलाके को, अन्य क्षेत्र को, कुल्लू को वापस लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जो अब बीत गया उन चीजों को फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो घाव लगे हैं, जो इलाके में नुकसान हुआ है, वो सब लोगों के सामने है। उसमें सरकार ने भी बहुत मदद करने का प्रयास किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया, जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया, हमारे जो यहाँ के सभी नेतागण हैं उन्होंने भी किया, हमारे यहाँ के SDM हैं, हमारे DSP है, हमारा जितना यहाँ का स्थानीय प्रशासन है सब डिवीजन का, हमारे PWD के अधिकारी, हमारे IPH के अधिकारी, सब लोगों ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया और आज हम वापस समानता की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ उसमें कमी पेशी भी रही होगी मगर जो हमारा नंबर वन एजेंडा था कि हमने सारी सड़कें खोलनी है जो बंद हो गई थी। एक समय में 1600 सड़कें प्रदेश के अंदर जब आपदा थी, क्योंकि हम रोज इसका फीडबैक लेते थे, एक समय ऐसा आ गया था कि 1600 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी। अगर आप अनुमान लगाए, अगर 1600 सड़कें, जो चाहे बड़ी रोड है, लिंक रोड है, MDR है, अगर वो बंद पड़ी थी तो कितना नुकसान हमारे क्षेत्र के लोगों को हो रहा था। कोई हमारे जो व्यवसाय के लोग हैं, हमारे बागवान है, किसान है, इसलिए हमारा नंबर वन एजेंडा यही रहा कि हमने सड़कों को खोलना है और युद्ध स्तर के ऊपर वो सड़कें खोलने का कार्य किया गया। जहाँ पर पैसे की आवश्यकता थी, पैसा दिया गया, बजट दिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, और हमने उनको प्राथमिकता पे खोलने का कार्य किया। और अब हम वापस जो पूर्व में कार्य, विकास के कार्य हो रहे थे, उनको और गति देने के लिए मैं आज आपके बीच में यहाँ पे खास रूप से उपस्थित हुआ हूँ। हमारे बीच में आदरणीय उपेंद्र कांत मिश्रा जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ जो ये मेला कमेटी है इसके अध्यक्ष भी है, और उनका एक बड़ा योगदान इस मेला को जो है एक बड़ा नाम करने में इनका और इनकी पूरी टीम का रहा है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। श्री शेषराम आजाद जी, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के अध्यक्ष है, अतुल शर्मा जी, जो हमारे जिला शिमला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, श्री कुलवंत कश्यप जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है DCC कुल्लू के, आदरणीय श्री प्रवीण ठाकुर जी, जो हमारे BDC मेंबर है कुल्लू से, श्री रमेश ठाकुर जी, जो हमारे प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस आनी के, विनोद कुमार जी, जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष है, सतपाल ठाकुर जी, जो हमारे महासचिव है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, SDM हमारे आनी के, DSP हमारे, SCPWD, XCN हमारे लोक निर्माण विभाग के, नेशनल हाईवे के, और IPH के, और सभी जो हमारे पदाधिकारी और अधिकारीगण और स्थानीय जनता, हमारी सारी महिलाएं, बुजुर्गवान, युवा साथी यहाँ पे उपस्थित है। आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, आज हमारा एक दूसरा देव समाज का कार्यक्रम एक और जो है वो ठियोग के अंदर भी है, वहाँ पर भी पहुँचना है और दिन भी छोटे हैं तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा।
इसके ज्यादा लंबा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। आप भी यहाँ पे कुश्ती का और यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों की प्रस्तुतियां हुई और भी यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मगर मैं आपको यही विश्वास ही नहीं मगर ये पूरे मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। आज ही जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ के कार्यक्रम में आने से पहले जो यहाँ का आपका अनी का आपका डिग्री कॉलेज है उसमें मुझे जाने का मौका मिला। हालांकि बाहर से तो मैंने कई बार उस भवन को देखा है मगर आज अगर जब उसका अंदर जाके उसका इतनी भव्य इमारत को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि राजा वीरभद्र सिंह जी का ये सौगात आनी क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो उन्होंने दिया है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ के शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। और उसमें मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि करीबन 800 बच्चे वहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं पढ़ भी रही हैं। कुछ जो हमारी प्रधानाचार्य है आपके कॉलेज की, उन्होंने कई मांगे यहाँ पर उठाई भी है कॉलेज के संबंधित, जिसमें प्राथमिकता पे वहाँ पे जो हमारा खेल का मैदान है उसके साथ एक ओपन वहाँ पर जो है स्टेज बनाने का उन्होंने निवेदन किया है। मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा करवाएंगे ताकि हमारे जितने भी बच्चे वहाँ पर आते हैं उनको अच्छी स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए सारी सुविधा जो है वो जैसी रामपुर में मिलती है, शिमला में मिलती है, वैसे ही आनी में भी मिलनी चाहिए, यहाँ के युवाओं के लिए भी मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सड़कों का रखरखाव, सड़कों का निर्माण। मैं जानता हूँ कि बहुत सी सड़कें, कई ऐसी सड़कें यहाँ पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर है जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। हम भी चुनावों के समय में भी मैंने काफी दौरा इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का किया और वैसे भी पहले जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय भी किया। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल आनी में ही आते हैं, यहाँ के जो दूर दराज के, चाहे आपका दलाश का इलाका है, चाहे आपका निर्मण का इलाका है, चाहे आपका ज्वागी का इलाका है, चाहे आपका बागासरान का इलाका है, हर इलाके का मैं समय समय के ऊपर भ्रमण करता रहता हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरी नंबर वन प्रायोरिटी यही है कि आनी की सड़कों का सुधार हो, बेहतरीन सुधार हो और समय के ऊपर गुणवत्ता के साथ उन कार्यों को पूरा किया जाए, इसका मैं आपको विश्वास ही नहीं देना चाहता हूँ। मगर मैं इन चीजों का पूरी मॉनिटरिंग समय समय के ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ की हमारी करीबन जो अलग अलग सड़कें हैं आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दूसरे चरण की और तीसरे चरण में करीबन आपकी जो है यहाँ पर 4 और 7 सड़कें यहाँ पे जो है वो कार्यरत है, जिसमें करीबन 40 करोड़ रुपए की आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की बैच 2 की और करीबन 53 करोड़ की आपकी बैच 1 की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो करीबन करीबन जो है 90 करोड़ रुपए के सड़कों के विकास कार्यों का कार्य हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में चला हुआ है। इसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को, जो आज मंच के ऊपर भी हमारे साथ उपस्थित है, इनको मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये कार्य समय के ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आज टेंडर हो रहे हैं, आज अवार्ड हो रहे हैं और 5-5, 10-10 साल इनके कार्यों को चल रहे हैं। मैंने इसके लिए टाइम लिमिट फिक्स करी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी कार्य चल रहा है वो अगले जो है 24 महीने में, 24 से डेडलाइन को आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम 2 साल 24 महीने में ये कार्य जो है वो पूरे होने चाहिए।
और इसके लिए सख्त निर्देश विभाग को दिए गए हैं। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी जब मैं विभाग का मंत्री बना, कई हमारी सड़कों का मैंने रिव्यू किया, उसमें मुझे दुख हुआ ये देखते हुए कि कई हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की, दूसरे चरण की, कई हमारे नबार्ड की ऐसी सड़कें जिनका कार्य 2010 में, 2012 में, 15 में अवार्ड हो गया, कई सड़क तो ऐसी थी जिनका 2005 में अवार्ड हो गया, 5 से 10 आपके 15-10 साल और आगे आपके 8 साल जो है, इतने साल के बाद भी वो कार्य पूरे नहीं हुए। मैंने ये सख्त निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट को कि मेरी अध्यक्षता में इस तरह की कोई भी कुताही हम जो है अपने विभाग के अंदर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय के ऊपर कार्य पूरा होगा, गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा होगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं आपकी, एक रुमाली डीम सड़क है और एक खनाग फनौटी सड़क है, इसका कार्य भी थोड़ा ढीला चला हुआ है, जिसके बारे में हमें मेरे साथियों ने यहाँ पे जानकारी दी है। मैं मंच से अपने अधिकारियों को ये निर्देश देता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी कार्य करवाया जाए, समय के ऊपर इसको पूरा करवाया जाए, ताकि यहाँ की जनता को पूरा लाभ, यहाँ के जितने हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनको आने वाले समय में इसका मिले। और इसके साथ साथ जो हमारा ये मेन नेशनल हाईवे आपका लूरी से लेकर, सैंड से लेकर जो ओट तक जाता है, ये भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे सड़क के, आदरणीय कमलनाथ जी, उनसे निवेदन किया था कि इसको लूरी और सड़क को नेशनल हाईवे बनाया जाए। आज ये नेशनल हाईवे है, इसकी गुणवत्ता को इतनी बेहतरीन के लिए, इसकी जो है वाइडनिंग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका सैन जो लूरी रोड का जो है आपका जो 100 किलोमीटर का ये पैच है, इसमें से कुछ इलाके का डबल लेन करने का जो है उसको प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ आपकी जलोड़ी जोत में, क्योंकि कुल्लू के साथ इसको जोड़ने के लिए, ऑल वेदर बनाने के लिए टनल का होना जलोड़ी जोत में बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो है आपका 17 करोड़ रुपए के लागत से एक पीएमसी इसके करवाई जा रही है, जिसका एक अभी इसका एस्टिमेट बनाया जा रहा है, इसका जो है वो पैमाना बनाकर आने वाले समय में हम इसको केंद्र सरकार से और मजबूती से उठाएंगे, ताकि आने वाले समय में जैसे आपकी हिमाचल के और इलाकों में टनल का निर्माण हुआ है, वैसे ही जलोड़ी जोत के अंदर भी इसका टनल का निर्माण हो, ताकि ऑल वेदर रोड आपकी कनेक्टिविटी जो है वो जिला कुल्लू के साथ 12 जो है महीने बनी रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी एक जो यहाँ पे युवाओं के लिए खास करके जो मांग रखी गई है, मैं भी कुल्लू में भी था, वहां पर भी इस मांग को युवाओं ने रखा है, और ये स्वाभाविक भी है कि ये हमारा आनी, हमारा जो है वो आनी क्षेत्र का भी ये पूरा एक सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर खास करके युवाओं के लिए जिस तरीके से नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से खेलों में हिमाचल का नाम बढ़ भी रहा है, अभी हाल ही में जो हमारे एशियन गेम्स हुए, उसमें हमारी लड़कियों ने कबड्डी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अभी हमारे गोवा में नेशनल गेम्स चल रहे हैं, वहां पर भी हिमाचल की बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए खेलों को बढ़ावा देना हमारी नंबर वन प्राथमिकता है। इसके लिए मैं ये प्रयास नहीं, मैं इसका पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारा इस साल का वित्तीय वर्ष जो है वो खत्म हो रहा है, अभी हमारे पास भी थोड़ी बजट की कमी है, मगर मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके अगले साल जो हमारा 24-25 का वित्तीय वर्ष है, इसमें यहाँ पर आनी में प्राथमिकता पे आपका इस मैदान के साथ एक मल्टीपर्पज
इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए हम खोलने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान करवाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ के युवा नशे से दूर रहे, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे कबड्डी है, चाहे और गेम्स है, उनको उसके अंदर करवाया जा सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। और साथ ही साथ जो निर्मल हमारा इस विधानसभा क्षेत्र का दूसरा छोर है, वहाँ के लिए भी जो मैदान और जो वहाँ पे युवा खेल सेवाएं द्वारा जो वहाँ पे मैदान बनाया गया है, उसके लिए एक अतिरिक्त कोच की बात मिश्रा जी ने यहाँ पे करी है, उसको भी हम आने वाले समय में डिप्लॉय करेंगे, ताकि युवाओं को उसका भी भरपूर फायदा आने वाले समय में यहाँ पे मिले। बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आपने जो हमेशा प्यार मान सम्मान हमें दिया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे आपने लोकसभा के चुनावों में भी, पहले जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय दिलाकर जो हमारा गौरव बनाया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी भी रहेंगे। और उसके साथ साथ आगामी विकास कार्यों को मजबूती देने के लिए मैं समय समय पर क्षेत्र का दौरा करता रहूंगा। जो भी यहाँ के विकास कार्य है जो मेरे विभाग से संबंधित है, उसका हम खुद निपटारा करेंगे। और जो और ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने की आवश्यकता है या और मंत्रियों के समक्ष रखने की आवश्यकता है, उनको भी हम पूरी प्राथमिकता से उठाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।